नमस्कार, मैं भावना पैंसन ओवन्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। गर्मियाँ आने वाली हैं, होली भी आने वाली है, तो गर्मियों में अगर हम ठंडाई बना के रखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा हेल्दी ड्रिंक है जो हमें बहुत ही अंदर तक ठंडक जो है पहुँचाता है। बट जब हम घर में ठंडाई बना कर रखेंगे, एक बारी बनाने की देर है बस, और फिर उसको आप जब चाहो दूध में या पानी में घोल कर पी सकते हो, बिल्कुल एकदम हेल्दी, फ्रेश और टेस्टी ठंडाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं ठंडाई। इसके लिए जो है हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को पहले भिगो के रखना पड़ेगा। कम से कम जो है हमें इन्हें 6-7 घंटे भिगोना पड़ेगा, नहीं तो आप ओवरनाइट भी इसको भिगो कर रख सकते हो। इसके लिए मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच बादाम, जिनको मैंने पहले भिगोकर छील लिया है, 1 बड़ा चम्मच पिस्ता, 1 बड़ा चम्मच काजू, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च जो बहुत ही अच्छी लगती है, 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज, 1/2 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच खसखस, 4-5 हरी इलायची और थोड़ा सा केसर। इन सबको जो है हम अच्छे से भिगो के रख देंगे, कम से कम जो है 7-8 घंटे के लिए भिगोएंगे, जिससे कि पूरे ड्राई फ्रूट अच्छे से सोक हो जाएंगे, फूल जाएंगे। नहीं तो आप चाहें तो उसको ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हो। ये देखिए 7-8 घंटे हो चुके हैं इन ड्राई फ्रूट्स को भिगोए हुए, ये जो इनका फ्लेवर इस पानी में आ गया केसर का, सबका, और बहुत अच्छे से फूल भी गए हैं। तो अब जो है हम इनको पीसेंगे इसी पानी में, जो है ये केसर के पानी में, क्योंकि हम वेस्ट नहीं करेंगे, सारे फ्लेवर्स इस पानी में आए, इसी पानी के साथ इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। आप जो है हम इसके अंदर 2-3 बड़े चम्मच गुलकंद के डालेंगे। अगर आप गुलकंद नहीं डालना चाहते, तो जब हमने ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे, अगर आपके पास में अच्छी फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियाँ जिनमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है खाने वाली, आप वो भी भिगो सकते हो। नहीं तो ये जो गुलकंद मैंने घर में बनाया है, मैं 3 बड़े चम्मच इसमें गुलकंद के डाल रही हूँ और फिर उसको दोबारा से पीस रही हूँ। अभी देखिए गुलकंद डालने के बाद जब मैंने पीसा, तो इतना कितना इसका जो है स्मूथ जो है मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। आपको ऐसा लग रहा होगा दानेदार है, बट नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ जो है हमारे पास में ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक बड़े बर्तन में, कढ़ाई में जो है 400 ग्राम के लगभग चीनी लेंगे और उसमें 1 कप पानी डालेंगे और उसको अब हम गरम करेंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस जब तक चीनी पिघल जाए हमें उसको इतना ही पकाना है। ये देखिए चीनी अच्छे से पिघल गई है। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसके अंदर डालेंगे। सारा मिक्सचर अच्छे से निकाल के, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम इस चीनी वाले मिक्सचर के अंदर में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब जो ये मिक्सचर है पानी के साथ में, हमें कम से कम इसको बिल्कुल मध्यम आंच पे 10-15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, जब तक कि बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी इसकी ना हो जाए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा केसर और डालेंगे। पहले केसर हमने फ्लेवर के लिए डाला था, अब कलर के लिए डालेंगे, और बीच में जिसके धागे आएंगे ना वो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपका जो ये मिक्सचर है, सिरप है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप पानी डाल दीजिए। इसको हमें कम से कम 10-15 मिनट तक पकाना है, फिर आप इसको जब आप स्टोर करेंगे तो 1 महीने तक आराम से इसको फ्रिज में आप स्टोर करके रखिए, आपकी ठंडाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव और कुछ भी आर्टिफिशियल कलरिंग कुछ भी यूज़ नहीं किया है। देखिए बस इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए हम इसे पकाते रहेंगे 10-15 मिनट तक। ये देखिए बहुत ही थिक और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको बॉटल में डालेंगे। आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, मेरे पास कांच की बॉटल थी जिसको मैंने अच्छे से साफ करके सुखा के रखा हुआ है। इसी के अंदर में इस पूरे जो कंसंट्रेट हमने ठंडाई का बनाया है इसको स्टोर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इंस्टेंट ठंडाई पाउडर भी बना सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इस ठंडाई का जो कंसंट्रेट है उससे ठंडाई बनाते हैं। एक जार ले लीजिए जब कुछ भी, उसमें 2-3 बड़े चम्मच जो है हम ये ठंडाई का जो कंसंट्रेट है वो डालेंगे और 2 बड़े ग्लास दूध, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी अगर आप अच्छे से मिक्स कर लें तो वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। देखिए किसका कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल कोई भी आर्टिफिशियल कलर हमने यूज़ नहीं किया हुआ है। इसके अंदर जो नेचुरल है, केसर का कलर है और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स का है वही आ रहा है इसके अंदर। अब हम इसको सर्व करेंगे ग्लास के अंदर
जितना आप बर्फ़ आइस क्यूब्स डालना चाहते हैं वो डालेंगे, और ये जो हमने रेड ठंडाई तैयार की है वो, और ऊपर से पिस्ता, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ और केसर से इसको गार्निश करेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे लिए ठंडाई, है ना। कितना आसान बनाना है इस ठंडाई को, तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।